सो असी खड़े हाँ राजपुरा की नवी अनाज मंडी के मेरे पिछे देख सकते हो कि फसल जी है किसानों की उस तरह पई है नीले अंबरां दे हेठ क्योंकि मौसम भी खराब है क्योंकि बीते समय जो बरसात पैण करके फसल जी वढ़ाई लेट होने करके जी सरकारी खरीद वो बंद कर दी सी जिस तो बाद किसान भी परेशान ने ते आड़ती भी परेशान ने और इस पास तुम देख सकते हो कि आड़ती भी इतने मौजूद ने किसान भी मौजूद ने की कुछ समस्या है क्योंकि अपने दफ्तर छड़ के जो मंडिया के बैठे ने गलबात कर लेने उन्होंने की कुछ कारण है की कारण है जी तुम इतने बैठे हो। देखो जी साडे कोल सरकार ने 13-11 तो बाद जिहड़ा परमल झोना सी उहदी खरीद बंद कर दित्ती सी। जिमीदारां दा माल साडे कोल अज तक भी मंडी दे विच आ रहा है। असीं इहदी बकायदा डिटेल मार्केट कमेटी नूं संबंधित अधिकारियों नूं दे रहे हैं पर साडी कोई सुनवाई नहीं हो रही ना उहनां वल्लों सानूं कोई टुकमा जवाब दिता जांदा कि तुहाडा माल लिखिया जाऊगा नहीं लिखिया जाऊगा। साडे कोल इत्थे 7-7 दिनां बाद किसानां दीआं ढेरियां भरियां ने। मैं अधिकारियों नूं पुछणा चाहुंदा कि तुसीं 7 दिन अपना घर छड्ड के मंडी बैठ जाओगे? 7-7 दिन हो गए जिमीदारां नूं बैठिआं नूं। उदों बाद इन्हां ने सानू आप कह के भी तुसी कोई नहीं जिमीदार की ढेरी भर दो इन्हां नू फर्ग कर दो असी तुहाडा माल लिखवावांगे पर हाले तक साडा किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। कल नू अगर नहीं माल लिखा जाता असी जिमीदारां नू जवाब दे देना भी साडे नहीं तुहाडा माल बिकदा तुसी इत्थों चक के मंडी तो लै जाओ जां साडियां बोरियां खाली कर दो जिथे लैके जाना उत्थे बिक जाओ बाकी सरकार जाने जिमीदार जानन असी पूरे दुखी होए हैं इस टाइम। सो किस तरह दे दोगे कि एक महीना तुसी लगता है भी फसल नू सरकारी खरीद नू बंद होई नू हो चुका है किन्नी कु फसल पई है इस टाइम मंडी? इस टाइम साढ़े को 33,000 कट्टा लगभग पे है जी क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिया था कि असी माल तुहाडा भरा दो असी खरीदांगे लेकिन हाले तक अज इन्होंने बिल्कुल 2 दिन तो जवाब दे दिया कि साडे कोल अप्रूवल नहीं आई। अप्रूवल किने लैनी सी इन्होंने? असी इन्हां नू रिपोर्ट देनी हुंदी है कि साडे कोल इन्ना माल आया। असी डेली मार्केट कमेटी नू ते फूड सप्लाई नू बकायदा रोज़ लिख के दिंदे रहे हैं। 2 दिन तो इन्होंने बिल्कुल जवाब दे दिया कि असी माल नहीं खरीद सकते साडे हत्थ खड़े हैं जी। तो फिर किसान संभाल दे विच समस्या आ रही है? बिल्कुल जी संभाल संभाल सारा साडी राखी है। कल नू चोरी हुंदा है तां आड़ती फसदा है कल नू माल घटेगा तां आड़ती भरदा है क्योंकि जिमीदार ने 10 दिन पहलां जमाल तोल के रख दिया उन्होंने गांच जेडे तो ज आवारा पशु उन्होंने भी खाना है सुकना भी है चोरी भी होना है वो तो सारा आड़ती फसद साड़ी बहुत परेशानी है। असी गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि कल जिमीदार देखो पहले सड़कों पर बैठे कोई ऐसी परेशानी ना आए इलैक्शन ईयर है नेड़े इलैक्शन आ गया कल ये सरकार की गले की हड्डी बन सकती है। किस तरह देखो एक पास तो खेती कानून रद्द कर दिया गया है और एक दूजी सरकार चाहे पंजाब की हो चाहे केंद्र की हो आपस में यही ताने मेने मार रही ने भी किसानों के मसले हल करे जन पर इतने किसानों के मसले ज्यों त्यों ने ज्यों त्यों खड़े हैं जी कि मसला हल होंगे जी उरे तो आके देखो ना कि हल हुए हैं जोड़े मसले कहते हल का रद्द करते रद्द इन्होंने लागू तो सारे करते सानू पता कि परेशानियां आई हैं ज खरीद एजेंसिया ने इतने आढ़तियों तो जिमीदारों कि परेशान करे तो हूँ ताज़ा मिसाल तो सामने है 33,000 कट्टा पेंडिंग पे है। ये कह गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट ने कहने असी पैसे रिलीज़ करते स्टेट गवर्नमेंट कहती है साढ़े को असी खरीद नहीं सकते दसो असी ये माल कितने बेचिए जिमीदार तैयार नहीं घाटे बेचण। मैं इतने तुहाडे नाल एक होर गल शेयर करनी चाहुंदा है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया सी पोर्टल के उत्ते किसानां डाटा चढ़ाया सी उन्हां नूं तकरीबन 6 सीजन 3-3.5 साल लगे सी असी वह कम आड़तियां ने खुद अपनी जिम्मेवारी पा के सरकार नूं सिर्फ 2.5 महीने के 1.5 महीने के कम करके दिता सी जो हरियाणा गवर्नमेंट तो 3-3.5 साल के होया सीगा। हुण ये साडे उपर ज़्यादातर जिहड़ी हैगी आ माल भर के तुसीं क्यों रखिया इल्जामबाजियां शुरू हो रही ने जबकि असी सरकार का साथ दिया ना कि सरकार के विरुद्ध गए हैं। सो सुन सकते हो कि 33,000 कट्टा जिहड़ा तुसीं मंडियां दे विच हजे भी पिया और एक पासे सरकारां दावे करदियां ने भी किसानां दे मसले हल किते जाने पर किसान ते आड़तियां नूं इह आपस विच लड़ाउण वाला काम किया जा रहा क्योंकि आड़ती जिहड़े ने उह किसानां दी फसल नहीं चुकदे अगे नहीं पहुँचाई जाएगी और किसान जिहड़े इस गल नूं लैके परेशान ने अपने घर का गुजारा भी करना क्योंकि 6-6 महीने फसल जिहड़ी है उह पालदे ने और मंडियां दे विच लैके आए ने सरकारी खरीद बंद है। उन्हां दा कहना है कि जेकर इह सरकारी खरीद नहीं शुरू होंदी तां इस तों बाद किसानां नाल रल के इस संघर्ष तिखा किया जाएगा। कैमरा पर्सन मोहित कुमार के नाल दया सिंह राजपुरा।